ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फंक्शंस फंक्शंस काफ़ी सारे हैं, तो मैंने फ़िलहाल जो एक पेज में थे मैंने सिर्फ उन्हीं चार टॉपिक्स को यहाँ पे आज की वीडियो में कवर करूँगा। तो फंक्शंस का मतलब क्या 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 होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ऐसे क्या फंक्शंस हैं, ऐसी क्या चीज़ है जिसके लिए हम उसको यूज करें। ठीक है, फंक्शंस यही तो होते हैं, जैसे कि अगर आपको कोई भी स्कूटी खरीदनी है, बाइक खरीदनी है, फ़ोन खरीदनी है, तो आप उस फ़ोन के अंदर फंक्शन से चेक करोगे कि भाई ये हम कि आप ये फंक्शन क्यों ले रहे हो, क्यों ये फ़ोन ले रहे हो, क्यों ये स्कूटी ले रहे हो। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी ऐसे क्या क्या फंक्शंस हैं कि हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो फर्स्ट इसमें टॉपिक आता है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट का। मेमोरी मैनेजमेंट मैनेजमेंट को हम स्टोरेज मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, जब भी यहाँ पे इसको ब्रैकेट में दे रखा है। तो फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर है इट कीप्स ट्रैक्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। ये हमेशा प्राइमरी मेमोरी को ट्रैक करता रहता है। एग्जाम्पल, वट पार्ट ऑफ इट आर यूज बाय वॉम, वट पार्ट आर नॉट इन यूज। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है कि अगर इसको मेमोरी के अंदर ये चेक करता है कि इस मेमोरी के अंदर कितना पार्ट जो मेमोरी है वो कौन सा डिवाइस कौन सा सॉफ्टवेयर इसको यूज कर रहा है और कितनी मेमोरी खाली है, ये सब चेक करना भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। सेकंड है इसमें इन मल्टी प्रोग्रामिंग इट डिसाइड विच प्रोसेस विल गेट मेमोरी व्हेन एंड हाउ मच। तो मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है कि एक टाइम पे काफ़ी सारे प्रोग्राम को रन कर देना। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे क्या रन कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं फ़ोटोज़ को यहाँ पे रन कर रहा हूँ, फ़ोटोज़ के साथ साथ यहाँ पे मैं अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑन कर रखा है। तो ये क्या कर रहा है कि मल्टी प्रोग्रामिंग या मल्टी प्रोसेस के टाइम पर ये डिसाइड करता है कि किस सॉफ्टवेयर को कितनी मेमोरी दी जाए। तो ये काम भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। एंड थर्ड है इसमें के अंदर एलोकेट द मेमोरी, एलोकेट्स द मेमोरी व्हेन द प्रोसेस और प्रोग्राम रिक्वेस्ट इट टू डू सो। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक मेमोरी एलोकेट कर देता है कि जो भी आपकी प्रोग्राम या फिर आपका कोई भी प्रोसेस है, जो भी रिक्वेस्ट अगर वो करता है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एक मेमोरी के अंदर एक अपना एक स्पेस, एक मेमोरी, एक एड्रेस उसको एलोकेट कर देता है। तो ये काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। एंड थर्ड है कि डी क्लेम्स एंड डी एलोकेट द मेमोरी व्हेन द प्रोसेस इज नो लॉन्गर टू नीड इट एंड हैज़ बीन टर्मिनेटेड। उसका मतलब क्या है, देखो अगर आपने कुछ फॉर एग्जाम्पल एमएस वर्ड ओपन करा, एमएस वर्ड ओपन करा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको रैम के अंदर लोड करेगी। रैम के अंदर लोड करने के बाद जब तक आप उसको यूज करोगे, करते रहोगे करते रहोगे, अब मान के चलो आप अगर आप आपका काम ख़त्म हो चुका है तो आप क्या करोगे, प्रोसेस को ख़त्म करना चाहोगे, प्रोसेस को टर्मिनेट करना चाहोगे, प्रोसेस को क्लोज करना चाहोगे। तो आप क्या करोगे, इसको ऊपर से क्लोज कर दोगे, यहाँ पे जो क्लोज का बटन होता है वहाँ से क्लोज कर दोगे। तो क्लोज करके उस मेमोरी को रिलीज करना, ये काम भी रैम को खाली कर देना जो वो काम करते वक्त एमएस वर्ड ले रहा था रैम के अंदर स्पेस, उससे भी खाली कर देना, टर्मिनेट कर देना, ये काम भी एमएस वर्ड सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे करता है। तो मेनली क्या है कि जो भी आपके मेमोरी से रिलेटेड जो भी वर्क है वो सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें प्रोसेस मैनेजमेंट। अब प्रोसेसर मैनेजर मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि देखो नाम से पता चल रहा है कि किसी भी प्रोसेस को ये कंट्रोल करेगा, उसको शेड्यूल करेगा और उसको एलोकेट करेगा मेमोरी जो भी प्रोग्राम आप रन करोगे। तो फर्स्ट इसके अंदर है कीप्स कीप ट्रैक ऑफ प्रोसेसर एंड स्टेटस ऑफ प्रोग्रेस। अब ये किसी भी प्रोसेस का स्टेटस एंड प्रोसेस को देखता रहता है। सपोज करो कि जैसे कि आपने एम एस वर्ड ओपन कर रखा है, एम एस वर्ड ओपन कर रखा है, तो ये एम एस वर्ड कितने कब आपने ओपन करा, कितने टाइम के लिए आपने इसको ओपन करा, कब इसको आपने क्लोज करा, कब आपने इसको दोबारा से रीओपन करा, तो ये सब ट्रैक करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। अब आगे लिखा हुआ है प्रोग्राम डज दिस
इज कॉल्ड ट्रैफिक कंट्रोलर। अब इसका इसका नाम होता है ट्रैफिक कंट्रोल। जैसे कि आपने अभी आपको एग्जांपल दिया मैंने एमएस वर्ड का, तो उस प्रोसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कहा जाता है ट्रैफिक कंट्रोलर। नेक्स्ट है हमारा इन मल्टी प्रोग्रामिंग इट डिसाइड विच प्रोसेस गेट्स द प्रोसेसर व्हेन एंड हाउ मच टाइम। दिस इज कॉल्ड मल्टी प्रोसेसर शेड्यूल। देखो मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब पता ही है आपको कि एक टाइम में काफ़ी सारे प्रोग्राम रन कर देना। एंड ये क्या करता है कि मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर जो है डिसाइड करता है कि किस प्रोसेस को प्रोसेस गेट द प्रोसेसर कब प्रोसेसर मिले और कितने टाइम के लिए मिले। तो मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि किस प्रोसेस को, मैं एक बार पेन चेंज कर देता हूँ आपको हाईलाइट कर दिखाने के लिए, कि ये प्रोसेस को प्रोसेसर को या फिर रैम को इंस्ट्रक्शन देता है कि भाई इस प्रोग्राम को प्रोसेस करने के लिए कितनी मेमोरी कितने टाइम तक के लिए दिए। तो इस चीज़ को हम कहते हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग। तो नाम से पता चला ना प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या होती है। प्रोसेस शेड्यूलिंग के ऊपर क्वेश्चन भी आ सकते हैं हमारे। नेक्स्ट इसमें हमारा आता है एलोकेट द प्रोसेसर सीपीयू। अ प्रोसेस सीपीयू के अंदर जो भी प्रोसेसर है, जो भी प्रोसेस है उसको सीपीयू के अंदर एक एलोकेट कर देना, उसके एक लोकेशन या फिर उसका एक एड्रेस ब्लॉक बना देना। नेक्स्ट है डी एलोकेट, जो हमने ऊपर पढ़ा था वही है। तो प्रोसेसर अगर आप नो लॉन्गर रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड नहीं है तो आप इसको दोबारा से डी एलोकेट भी कर सकते हो। तो ये सब हमारे थे प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर जाते हैं कि सभी प्रोसेसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम आपका मैनेज करता है। नेक्स्ट हमारा आता है डिवाइस मैनेजमेंट। तो जहाँ पर है कीप्स ट्रैक ऑल द डिवाइस, दिस इज ऑल्सो टिपिकल कॉल्ड द आईओ कंट्रोलर। देखो जो डिवाइस मैनेजमेंट, डिवाइस क्या क्या, तुम्हारे इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, तो इन इनपुट आउटपुट डिवाइस को भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है हमारा डिवाइस डिसाइड्स विच प्रोसेस गेट द डिवाइस व्हेन एंड हाउ मच टाइम। जैसे कि प्रोसेस है एमएस वर्ड हमने ओपन करा, एमएस वर्ड ओपन करा तो कितने टाइम के लिए हमने ओपन करा, कब ओपन करा, कब क्लोज करा, तो ये सब भी इसको रिकॉर्ड करता है। साथ के साथ ये डिसाइड करता है कि किसी भी प्रोसेस को, किसी भी डिवाइस को कब और कितने टाइम के लिए हमने यूज करा। जैसे कि माउस यूज कर रहा हूँ तो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रिकॉर्ड हो रहा है। नेक्स्ट है एलोकेट द डिवाइस इन एफिशियंट वेट एंड डी लोकेट द डिवाइस। जैसे कि माउस में से मैं सॉरी कि लैपटॉप में से अगर मैं माउस हटा दूंगा तो ये डी एलोकेट हो जाएगा और माउस कनेक्ट कर दूंगा तो ये एलोकेट हो जाएगा। तो ये सब भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ध्यान में रखता है। नेक्स्ट हमारा आता है इसके अंदर फाइल मैनेजमेंट। फाइल्स को मैनेज कर देना। इट कीप्स ट्रैक ऑफ इंफॉर्मेशन इट्स लोकेशन यूज स्टेटस एंड कलेक्टिव फैसिलिटी ऑफ ऑफ्टन एज फाइल सिस्टम। जैसे कि आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि आपने फोटो खींची एक स्नैपचैट में खींची, एक आपने खींची नॉर्मल कैमरे के थ्रू, एक खींची आपने ट्विटर के थ्रू। ट्विटर के अंदर जो कैमरा होता है टेक अ पिक्चर जब हम प्रोफाइल चेंज करते हैं, तो स्नैपचैट की फोटो खींचोगे तो ये स्नैपचैट के फोल्डर में जाएगा। आप अगर नॉर्मल डिफॉल्ट कैमरे से खींचोगे तो ये डिफॉल्ट कैमरे के फोल्डर में जाएगा। एंड जो आपने ट्विटर के थ्रू अपनी जो फोटो क्लिक करी है वो उसके अलग से फोल्डर में जाएगा। तो ये सब हमारे होती है मेमोरी मैनेजमेंट। तो ये काम भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है मेमोरी मैनेजमेंट का। नेक्स्ट हमारा डिसाइड हु गेट्स द रिसोर्स। अब ये डिसाइड भी करता है भाई किसको कितना रिसोर्स मिले, मतलब कि परमिशन टाइप से कि किस डिवाइस को क्या क्या परमिशन मिले। जैसे कि आपका कैमरा है, आप कैमरे को क्या परमिशन चाहिए होती है, माइक्रोफोन कैमरा स्पीकर, तो ये सब डिसाइड। और जो भी मैसेज पॉपअप होता है वो भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होता है। नेक्स्ट होता है एलोकेट द रिसोर्स एंड डी एलोकेट द रिसोर्स। जैसे हमने ऊपर पढ़ रखा है वैसे सेम हमारा फाइल मैनेजमेंट के अंदर आता है। आई होप आप सभी को ये हमारा फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के ये चार टॉपिक्स, ये चार पार्ट समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई दिक्कत है या फिर कुछ आपको पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हो। मैं उस पर एक स्पेशल वीडियो ज़रूर बनाऊंगा और आपको समझाने की कोशिश